खुशी, खुशी बाथरूम में कोई है, कुछ कुछ बहुत डरावना। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? वो बाथरूम में, वो शावर से खून आ रहा है और वहाँ मिरर में। क्या बाथरूम में, कौन है बाथरूम में, क्या शावर मिरर बोल रहे हो? चलो मेरे साथ। तो नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, उधर वो खड़ी है। खड़ी है, कौन खड़ी है? रोहित डरना बंद करो तुम और चलो मेरे साथ। खुशी रोहित को लेकर बाथरूम के पास जाती है। वहाँ का नजारा देखकर रोहित शॉक्ड हो जाता। रोहित के मुताबिक बाथरूम में कोई था, पर जब खुशी उसके साथ पहुंची तो वहाँ कोई नहीं था। जब खुशी ने शावर चढ़ाया तब उसे भी सब कुछ नॉर्मल लगा, क्योंकि शावर से पानी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही आ रहा था। रोहित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो इस बात से अड़ गया कि उसने वहाँ कुछ तो देखा था और ये सब उसके मन का वहम नहीं हो सकता। वो लगातार खुशी से कहता रहा, खुशी सच में बाथरूम में कोई था, खतरनाक डरावना सा चेहरा, मेरी बात मानो खुशी, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। रोहित की बात को खुशी ने उसका वहम समझकर टाल दिया, क्योंकि वो कुछ दिनों से डरावने सपने देखकर आधी रात को भी उठ जाया करता था और खुशी को ऐसी ही बातें बताया करता था। अगली सुबह भी रोहित रात वाली बात को लेकर ही परेशान था। तब खुशी ने उससे कहा, रोहित क्या हो गया है तुम्हें, तुम्हें भ्रम हुआ है, तुम क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? मुझे कोई वहम नहीं हुआ खुशी, मैंने जो देखा वो मेरा वहम नहीं हो सकता, मैं सच बोल रहा हूँ, बाथरूम के शावर से खून आ रहा था और जब मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिरा तब मैंने वहाँ एक बहुत डरावना चेहरा देखा है। रोहित की ऐसी हालत देखकर खुशी उसे डॉक्टर के पास ले जाने का सोचती और अगले ही दिन दोनों डॉक्टर के पास चले भी जाते। डॉक्टर, पता नहीं रोहित को पिछले 2-3 दिनों से क्या हो गया है, ये अजीबोगरीब बातें करने लगा है, आधी रात को भी बुरे सपने देखकर उठ जाता है और फिर कहता है कि मुझे मत मारो, वो वहाँ खड़ी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप देखिए क्या हुआ इसे। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा काम को लेकर इनको टेंशन है, मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, आप इनको टाइम से दे दीजिएगा और इनको आराम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खुशी रोहित को लेकर घर वापस आ जाती है और डॉक्टर्स की बताई हुई दवाई लेने के बावजूद भी रोहित की हालत में कोई सुधार नहीं आता, बल्कि रोहित की हालत उससे भी ज्यादा बदतर हो जाती है दिन ब दिन। खुशी एक रोज फोन पर अपने दोस्त से बात कर रही होती है जिसमें वो रोहित की हालत के बारे में सब कुछ बताती है। उसकी फ्रेंड ये सारी बातें सुनकर उसे एक मशहूर तांत्रिक के बारे में बताती है जिन्हें तंत्र विद्या की महारत हासिल थी, जिसके बाद खुशी रोहित को उस तांत्रिक के पास ले जाने का डिसाइड करती है। बाबा, मेरे पति ने 2 दिन पहले रात को एक बहुत अजीब चीज देखी है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सच है या फिर उनका वहम, क्योंकि मैंने रोहित को आज से पहले इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा, आप ही कुछ करिए बाबा। बाबा रोहित की तरफ देखते हैं और अपनी आंखें बंद कर कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें कुछ दिखता है और वो अपनी आंखें खोल लेते हैं। बालक, तूने जो कुछ भी देखा है वो तेरा वहम नहीं है, पर तू मुझे अब सब कुछ सच सच बताएगा, तभी मैं तेरी इसमें कुछ सहायता कर सकता हूँ। मैंने क्या कुछ भी, मैंने कुछ भी तो नहीं किया। देख, तुझसे मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे सच सच बता दे, जो भी तूने पाप किया है, वरना वो तुझे ले जाएगी तेरे बाकी दोस्तों की तरह। ये सुन रोहित चौंक जाता है और वो घबरा कर बाबा से पूछता है, बाकी दोस्तों की तरह मतलब? तुझे क्या लगा उस रात तेरे साथ जो तेरे 3 दोस्त थे वो ऐसे ही मर गए? नहीं, उन सबको उसने ही मारा है और अगला नंबर तेरा है। पापा, वो मुझे बचा लीजिए, मुझे मरना नहीं है, कुछ कीजिए बाबा प्लीज। बता उस रात क्या हुआ था, मुझे सब कुछ सच सच बता और मुझसे कोई भी बात छुपाएगा नहीं तू। ये सुनकर रोहित बाबा को सारी बातें बताने लगता है। 2 महीने पहले हम सारे दोस्तों ने पार्टी करने का प्लान बनाया था, जगह हमने सुरेश के घर का डिसाइड किया था, क्योंकि बहुत समय बाद हम चारों दोस्त एक साथ मिल रहे थे तो सबने बातों बातों में काफी ज्यादा शराब पी ली थी। रात काफी हो गई थी और हम घर निकलने के लिए पार्किंग एरिया में आ गए, पर हम सब बहुत दिनों के बाद मिल रहे थे इसलिए हमने सोचा थोड़ी दूर पर एक पार्क है जहां हम चारों पहले अक्सर जाया करते थे, वहां चलते हैं। हम वहां जा ही रहे थे तभी हमें वहां सड़क पर एक लड़की दिखी जो रिक्शा का इंतजार कर रही थी। ज्यादा नशे में होने के कारण हमें सही गलत की समझ नहीं थी उस वक्त, जिसके बाद हम चारों उस लड़की के पास गए और उसके साथ बदसलूकी करने लगे।
अरे मेरी रसमलाई हम छोड़ दे तुम्हें। लड़की जब चिल्लाने लगी तो हमने उसे पास के जंगल में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। उसके बाद हम चारों वहां से भाग और फिर कभी वापस दोबारा उस जगह पे नहीं गए। ये सुनकर खुशी हैरान हो जाती है और इससे पहले कि वो रोहित से कुछ कहती है, बाबा ने बीच में कहा, तुम लोगों ने उस लड़की के साथ बहुत बुरा किया है। तुम लोगों को जाने के बाद वो लड़की वहीं तड़प कर मर गई। तुम्हारे तीनों दोस्तों को मारने के बाद उसने अपने बदले की आधी आग बुझा ली है और अब तुम्हारी जान लेकर ही उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। बाबा प्लीज कुछ करिए, मैं मरना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, पर यकीन मानिए बाबा, मुझे इस बात का पछतावा है। वो लड़की की आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी है, वो तुम्हारी जान लेके नहीं मानेगी। रोहित की जान को खतरा देखकर खुशी काफी घबरा गई और उसने बाबा से कहा, बाबा क्या आप अपनी शक्तियों से कुछ नहीं कर सकते? आज अमावस की रात है और आज हमें पूजा रखनी होगी, पूजा पूरी होने के बाद ही उसकी जान बच सकती है। ये सुनकर रोहित और खुशी ने राहत की सांस ली। आओ बैठो यहाँ पे, पूजा शुरू करते हैं। जिसके बाद रोहित और खुशी बाबा के साथ पूजा करने बैठ जाते। बाबा काफी देर से लगातार कुछ मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं और लगातार चल रहे हवन कुंड में कुछ डाल रहे होते। तभी वहाँ अचानक से सन्नाटा छा जाता है, सारी आवाजें अपने आप रुक जाती हैं। तब बाबा कहते हैं, अब सामने आ जा मेरे और छोड़ दे इस लड़के को, मैं तुझे आदेश देता हूँ, मेरे सामने आ। इसके बाद अचानक से धुएं जैसा आकार हवा में बनने लगता है जो अगले कुछ ही पलों में साफ हो जाता है। सामने अब होती है वही प्रेत आत्मा जिसका रूप देख कोई भी डर जाए। बाबा ये वही है, वही लड़की है ये। बस देश की जान, इसे है अपनी गलती का पछतावा। ये सुनकर आत्मा बाबा से कहती है, उसका बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो रोहित को नहीं मार देती, और वो अपना बदला लेकर ही रहेगी, वो रोहित को मारकर ही मुक्त होगी। बाबा को अब ये समझ आ चुका होता है कि इस आत्मा के बदले की आग के सामने उनकी शक्तियां कुछ भी नहीं है। वो फिर भी लगातार कई मंत्र पढ़ते हैं पर उसका कोई भी असर नहीं होता है। रोहित जैसे ही आत्मा की आंखों में देखता है वो खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है, जिसके बाद रोहित की मौत हो जाती है। ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए कहानी कैसल के साथ।